मंत्री डॉ मोहन यादव ने रीवा में बुधवार को आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को अब तक सबसे सफल आयोजन बताया कहा कि कॉन्क्लेव में इकतीस हजार करोड़ की निवेश के प्रस्ताव मिले हैं यह आयोजन रीवा के औद्योगिक विकास के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा इसमें भाग लेने के लिए पूरे प्रदेश से 4000 से अधिक उद्यमियों ने पंजीयन कराया था इसमें 10 राज्यों के निवेशकों ने भागीदारी के साथ ही 300 से अधिक वायर सेलर मीटिंग की गई कार्यक्रम में 150 से अधिक विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन में भाग लेने वाले सभी उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति और सकारात्मक वातावरण की प्रशंसा की है मध्य प्रदेश में सिद्धार्थ इंफ्राटेक 12800 करोड़ रुपए ऋत्विक प्रोजेक्ट 4000 करोड, करोड़ केजीएस सीमेंट 14000 करोड़ रुपए पतंजलि ग्रुप 1000 करोड़ रामा ग्रुप 500 करोड़ सोलर एएमसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 400 करोड़ बी पेट्रोकेमिकल ने 300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है साथ ही शारदा मिनरल्स ग्रुप 225 करोड़ रुपए एस गोयनका ग्रुप ने 200 करोड़ शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक करोड़ रुपए अदाड़ी ग्रुप ने सिंगरौली में 2528 करोड़ जयप्रकाश पावर वेंचर 750 करोड़ एन ने सोलर प्लांट के लिए 103 करोड़ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने मैहर में 3000 करोड़ रुपए और निसर्ग इस्पात सीधी में एक हज़ार करोड़ रुपए व अन्य उद्योगों में दो हज़ार तिरसठ करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं इनसे लगभग तीस हजार लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा सीएम ने कहा कि पतंजलि ग्रुप उज्जैन में योग और आयुर्वेद का संस्थान बनाने जा रहा है रीवा में पांचवी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से विंध्य के विकास को नई दिशा मिलेगी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सिंगरौली और कटनी में कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे रीवा सतना में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों व सिंगरौली सीधी मऊगंज और मैहर में एमएसएमई विभाग के औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे पर्यटन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र की संभावनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा विंध्य में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त सोलर ग्रिप स्थापित किया जाएगा इससे प्राप्त बिजली का दोनों प्रदेशों में आवश्यकता के अनुसार उपयोग होगा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी इस आयोजन को ये बताया। समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया इनकी कुल लागत दो करोड़ रुपए है मुख्यमंत्री ने रीवा में कॉलेज चौराहे पर सतसठ करोड़ रुपए से पचास हजार वर्ग फीट में बनाए जा रहे दस मंजिला आईटी पार्क का भी भूमि पूजन किया रीवा के चौराहटा औद्योगिक केंद्र को बिजली के निर्बाध आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ने औद्योगिक केंद्र में विद्युत सब स्टेशन निर्माण का भूमि पूजन किया समारोह में रीवा और सतना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ए यूनिवर्सिटी सतना तथा पर्यटन विकास निगम के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए मुख्यमंत्री के समक्ष नगर निगम रीवा ने औद्योगिक केंद्र चौराहटा को औद्योगिक जल की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम स्वाति है और आप देखते रहिए विंध्याटा